रहमतुल्लाह बरकातू। आज हम बनाना ब्रेकफास्ट थाली बना रहे हैं। एक दर्जन केले लिए हैं, ये केला है और ये देखो ये घी है, और ये केले में शक्कर डालेंगे, ये इलायची पाउडर डालेंगे। आपको चाहिए इलायची पाउडर डालो या मत डालो, लेकिन इसी में डालते हैं। और ये देखो हमने पराठा बनाएंगे, तो हमने इसमें 1.5 कप आटा लिए नॉर्मल, नमक डाले 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून तेल डाले, गरम पानी से गूंद के रखे 1 घंटा पहले। देखो कितना अच्छा नरम बन गया है, फर्स्ट क्लास इसका पराठा बनाएंगे। और ये देखो ये हम बनाना केक बनाएंगे, हम बनाना प्लेन केक बनाएंगे। तो 1 कप हमने ये मैदा लिए हैं, और ये देखो 1 प्याली भर हमने शक्कर को पीस के लिए है। वेनिला एसन डालेंगे, 1 अंडा डालेंगे और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। हमने मिल्क शेक बनाएंगे, तो ये 2 केले लिए हैं, 1 कप दूध डालेंगे और ये देखो वेनिला एसन 1 चम्मच भर डालेंगे, और ये शक्कर डालेंगे। शक्कर अपने हिसाब से डालो, कोई मीठा खाता है कोई कम खाता है, अगर डायबिटीज है तो शक्कर मत डालो। घी डाले, केला फ्राई बना रहे हम, इलायची पाउडर डाले, अभी ये केला डालेंगे पराठे के साथ। ये केला बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट में फटाफट बन जाता है। और शक्कर किसको लगती तो डालो, किसको नहीं लगती उसमें नहीं डालो। हम शक्कर डाल रहे हिसाब से डालेंगे, केला बहुत मीठा रहता है इसलिए हिसाब से डालेंगे। 2 टेबल स्पून शक्कर हो गई, अभी इसको मिक्स करेंगे। घी में डालेंगे ना, घी में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। और हमने थाली तो बहुत बनाए, हमको YouTube से आया था थाली बनाने के लिए, इसलिए हम थाली बना रहे थे। थाली तो बहुत हमारे दिमाग में है बनाने के लिए, हमको आती है, लेकिन किसी ने ऐसा बोला कि थाली मत बनाओ खाला, ये तो सब दिखता नहीं है बराबर, समझता नहीं है, तुम्हारी एक एक रेसिपी बनाओ इसमें मत खपो, ऐसा किसी ने बोला। इसलिए अभी हम थाली बंद कर रहे हैं और रेसिपी डालेंगे, क्योंकि हमको यूट्यूब से आया था, हमको कोई शौक नहीं है 4-5 एक साथ बनाने के लिए, लेकिन तकलीफ से बना रहे थे। लेकिन आप लोग को नहीं देखने का, कोई बात नहीं, हम थाली नहीं बनाएंगे। ये अभी ब्रेकफास्ट थाली हमने तैयार किए हैं इसलिए बना रहे। केला फ्राई हो गया, खाली 2 मिनट इसको पकाने का, ज्यादा पकाएंगे तो काला पड़ जाएगा और एकदम ये हो जाएगा, कुचरा हो जाएगा, इसलिए हमने खाली 2 मिनट इसको पकाया, इतना ही पकाने का रहता, फटाफट बन जाता है। अभी इसको बंद कर रहे, हो गया ही ना, मिल्क शेक बना रहे हैं। ये देखो एक केले को काटे, अभी इसके अंदर मिक्सर में पीसेंगे इसको, दूध डाल के शक्कर डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालो क्योंकि केला मीठा रहता है। वेनिला एसन डालेंगे और दूध डालेंगे और इसको पीस के लाएंगे। हम बर्फ नहीं डाल रहे, आपको चाहिए तो बर्फ डालो क्योंकि ठंडी बहुत है और हमारे घर में बहुत ठंडी है, 7 माले पे घर है हमारा, इसके लिए तो हमने पीस के लाए। अभी इसमें भरेंगे, ये हमारे बेटे की बोतल है, इसी में पीता था वो मिल्क शेक, एकदम फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट में खा पीता था। अभी ये हो गया, इसको साइड में रखेंगे। और अभी पैन केक मिल्क शेक बनाए, वही जार लिए हैं, अभी ये पैन केक बना रहे, ये देखो अब इसको भी पीसने का रहता है। ये देखो ये शक्कर डालेंगे और ये दूध डालेंगे, 2 केले का बना रहे हम, और ये अभी मैदा डालेंगे, ये सब पीस के लाएंगे। वेनिला एसन डालेंगे, क्या है 1 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर डाले, अभी ये अंडा डालेंगे, वापस पीस के लाएंगे। ये देखो पीस के लाए,
देखिए इतना अच्छा फर्स्ट क्लास पीस के लाने का, एकदम बारीक। देखो अभी हम तेल लगा रहे हैं और पैनकेक बना रहे हैं। ये देखो, देखिए ऐसा बारीक गैस पे, बारीक गैस पे। ये देखो ये ऐसी जाली दिखने लगेगी ना जब इसको पलटी करेंगे। ये देखे कैसी जाली दिख रही है। ये देखो अभी इसको पलटी कर रहे हैं। अब इसको बनाने के लिए मस्का लगाए थे हमने, मुंह से तेल आ गया। ये देखो अभी भी मस्का डाल रहे हैं, क्योंकि मस्का लगाने से पेनकेक अच्छा बनता है। और इसे मस्का ही लगाते, तेल नहीं लगाती। तो ये मेल्ट हो गया मस्का। ये देखो मस्के में अच्छा लगता, फर्स्ट क्लास टेस्टी लगता। अभी देखो पेनकेक हो गया। अभी इसको 2 मिनट से एक तरफ पका के निकाल रहे। आप याद रखो पेनकेक में जाली दिखेगी जब पलटी करने का। इतने आटे के हमने इतने पेड़े बनाए, 4 5 6 7। हाँ अभी इसके पराठे बनाने के बताते हैं आपको, 2 किस्म के पराठे बता रहे। पेड़े को हमने आटे में लपटे, अभी इसको कैसा बेल रहे देखो। इसकी ऐसी छोटी रोटी पहले बनाएंगे। बनाए अभी इसके अंदर से तेल लगाओ या घी लगाओ, ठंडी का टाइम है ना इसलिए तेल लगा रहे। आपको चाहिए तो घी लगाओ, अच्छा लगाएंगे तेल। अभी इसको ना ऐसा बारीक बारीक मोरेंगे। ये देखो अभी इसको ऐसा हाथ से ऐसा करेंगे, लंबा करेंगे। भी लंबा किए, अभी ये देखो इसको ऐसा बारीक बारीक मोरेंगे। ये देखो ऐसा गोल 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 ऐसा ऐसा खींचते जाने का, ऐसा लपेटते जाने का। ये देखो ये हमारी बुआ ने हमको सिखाई। ये देखो सुबह चाय के साथ हमारी बुआ हमको पराठा गरम गरम खिलाती थी। ये देखे चपटा किए। अभी इसको आटे में लपटे, अभी इसको बेलेंगे। ऐसा बेलने का ना कि गोल गोल पराठा घूमना मांगता। ये देखो हमने कैसा हाथ रखे वो भी देखो। अभी इसको सेक के बताएंगे। फ्राई पैन गरम करने रखे, अभी इसी के अंदर ये देखो तेल लगाएंगे। आप घी लगाओ क्योंकि ठंडी है ना इसलिए हम तेल लगा रहे, लेकिन ये पराठा घी में ही बनता है, तेल में नहीं बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अभी इसको सेकेंगे, ऊपर से भी इसको तेल लगाएंगे। घी लगाओ बटर लगाओ, बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। देखो ऐसा थोड़ा देखने का कैसा ऐसा करके कि सेका है क्या पराठा। ऐसा 2 मिनट तो लगता है एक तरफ से 2 मिनट तो अच्छा पराठा सीखता है। ये देखो अभी दूसरी तरफ से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। तेल कम लगा तो और लगा। अभी इसको पलटी कर रहे हैं। ये देखो
देखो पूरी बाजू से सेक गया अच्छे से, अभी दूसरी बाजू से भी अच्छे से सेकेंगे। इसको गर्मा गर्म हाथ पे ये करेंगे, मैं बताती कैसे करने का, और फिर दूसरा भी बना के बता रहे। दो किस्म का, जिसको नहीं आता पराठा बनाने तो वैसा हम बना रहे वैसा बना, एकदम इजी बता रहे। देखिए कैसा सेक रहा है, फर्स्ट क्लास। ये देखो ये पराठा निकाले, गर्मा गर्म निकाले इसको, ये देखे देखे, ये देखो कितनी अच्छी सी जारी आई, ये देखो देखे फर्स्ट क्लास। देखे देखो ऐसा पराठे को ये करेंगे और फिर खाने देंगे चाय के साथ, ये सब ब्रेकफास्ट के साथ फर्स्ट क्लास लगती पराठे। ये देखो हमने आटे में लपेट डाले पेरे को, ये देखो पेरा बनाए, अभी इसको ऐसा बेलने का, देखो कैसा बेल रहे, ये चौकन बनता है, ये देखो उठाने का रहता है इसको, वो जरा जरा बनाने का रहता। अभी इसको सेकेंगे, अभी ये तेल लगाएंगे, ये देखो अभी पराठे को डालेंगे, अभी ये ऊपर से भी तेल लगाएंगे। तेल लगाओ, मस्का लगाओ, घी लगाओ, तुम्हारी मर्जी, घी मस्के से अच्छा लगेगा। अरे ये देखो अभी इसको पलटी किए, वापस तेल लगाएंगे, देखो फर्स्ट क्लास पराठा बन गया। हमारे तरीके से बनाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए, नए चैनल में है मेरे, तो सब्सक्राइब करो, लाइक रोज करना हर रेसिपी को। ये देखो अच्छे से इसको दबा दबा के सेकेंगे, कितने अच्छे से सेक रहा है एकदम चारों बाजू से। अभी दो तरीके से बताए, अभी इसको भी ये करने का बता रहे आपको, गर्मा गर्म। हाथ जलता नहीं है, थोड़ा गर्म लगता हाथ को, हाथ जलता नहीं है। ये देखिए हो गया, अभी आपको बता रहे। ये पराठा को उठाए, ये देखो, ये देखिए कितने अच्छे से, देखो कैसा हो गया। ऐसा पराठा बनाने का, खाने का, और मैक किचन को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का प्लीज। वो हमने केले का मिक्स शेक बनाई, केला फ्राई बनाई, ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाया। ये देखो पेनकेक बनाए केले का, इसके ऊपर शहद डाले, देखो शहद डाले हमने, यहाँ शहद डाले हैं और मस्का रखे हैं। ऐसा बना के खाने का मंगता तो केला भी इसके ऊपर डाल के खाने का, और ये पराठा बनाए इसके ऊपर मस्का डाले, ऐसा बनाओ। मेक किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रेसिपी नई नई आपको रोज की देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज़।